Hey guys, in this question, we are asked to find out the correct events that occur during the process of inspiration. So, inspiration is the process of breathing or the respiration process. ठीक है, breathing in is called as the inspiration. Now, the option that we have been given over here is the first one is contraction of diaphragm, second one is contraction of internal external intercostal muscles, the third one is pulmonary volume decreases, and the last option we have is intrapulmonary pressure increases. So let's see the process of inspiration and then we'll conclude for the answer. ठीक है, पहले तो देखो क्या होता है. ह्यूमंस में नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है. क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है ह्यूमंस में. सो द इंस्पायरेशन अकर्स वाया द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ टू मसल्स. ठीक है, दो कॉन्ट्रेक्शन की मदद से इंस्पायरेशन अकर होता है. कॉन्ट्रेक्शन ऑफ टू मसल्स. द फर्स्ट वन इज द फ्रेनिक मसल एंड द अदर वन इज द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. इन दो मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो होता है इंस्पायरेशन होता है. ठीक है, तो फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो क्या होता है? जब फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो डायफ्राम है, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट. ठीक है, फ्रेनिक मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से द डायफ्राम बिकम फ्लैट. ठीक है, डायफ्राम के फ्लैट होने की वजह से क्या होता है? एंटीरियो एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यू टू द ठीक है, डायग्राम डायफ्राम कैसा होता है? नॉर्मली डोम शेप होता है. डोम शेप से जब वो फ्लैट शेप में आ जाएगा, जो एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम है, द एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीजेस. ठीक है, वैसे ही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है? जो थोरेक्स होता है, द थोरेक्स इज लिफ्टेड अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स. ठीक है, थोरेक्स इज लिफ्टेड अपवर्ड एंड आउटवर्ड. नाउ ड्यू टू दिस लिफ्टिंग द डोर्सो वेंट्रल वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस. डोर्सो वेंट्रल वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, दिस वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस. नाउ ड्यू टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम. ठीक है, इन दोनों के वॉल्यूम में इंक्रीज होने की वजह से जो ओवरऑल वॉल्यूम है थोरेक्स का ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीजेस. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स ऑल्सो इंक्रीजेस. नाउ वी नो दैट वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो एज सून एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, द वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीजेस, विच लीड्स टू द डिक्रीज इन प्रेशर. ठीक है, डिक्रीज इन प्रेशर, जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ थोरेक्स, जो थोरेक्स में जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है. इसका क्या मतलब है? इसका बेसिक मतलब ये है कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड देयर फोर एयर इज टेकन इन. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? वी इनहेल द एयर. ठीक है, एयर इज इनहेल्ड. क्योंकि अंदर का प्रेशर कम है तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एयर अंदर आएगी, विच लीड्स टू इंस्पायरेशन. ठीक है, दिस लीड्स टू इंस्पायरेशन. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन. रिमेंबर दैट इंस्पायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस. ठीक है, इसके लिए हमें एटीपी की जरूरत पड़ती है या एनर्जी की जरूरत पड़ती है. इंस्पायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस. ठीक है, क्या होगा जब यही मसल्स रिलैक्स करेंगी? ठीक है, इन्हीं मसल्स के रिलैक्सेशन की वजह से, ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स, ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ फ्रेनिक मसल्स एंड द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. ठीक है, जब फ्रेनिक मसल्स रिलैक्स करेंगी और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगी तो वो काय में हेल्प करती है? वो एक्सपायरेशन में हेल्प करती है. ठीक है, जब फ्रेनिक मसल्स रिलैक्स करेंगी तो डायफ्राम वापस से डोम शेप हो जाएगा. डायफ्राम बिकम डोम शेप. ठीक है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, या कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा. एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के रिलैक्सेशन की वजह से जो हमारा थोरेक्स है, जो थोरेक्स इज लिफ्टेड, थोरेक्स लिफ्टेड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. ठीक है, वापस अपनी पोजिशन पे आ जाएगा. एंड देयर फोर द ओवरऑल वॉल्यूम ड्यू टू दीज दीज टू रीजन डिक्रीजेस. ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीजेस विच लीड्स टू द इंक्रीज इन द प्रेशर. ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगी तो क्या होगा? उससे क्या होगा?
द प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेस, द पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब बेसिकली जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज मोर देन द एटमोस्फेयरिक प्रेशर। ठीक है, इससे क्या होगा, जो एयर होगी, एयर विल गो आउट और वी कैन से दैट एयर इज एक्सहेल्ड। ठीक है, द एयर इज एक्सहेल्ड एंड दिस लीड्स टू एक्सपायरेशन। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन अकर्स। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वॉट आर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड वॉट आर फ्रेनिक मसल्स। सी वॉट हैपन्स, जो फ्रेनिक मसल्स होती हैं, फ्रेनिक मसल्स का तो सिंपल है, द फ्रेनिक मसल्स आर द फ्रेनिक मसल्स आर दीज आर द मसल्स रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम। द फ्रेनिक मसल्स आर द रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम। ठीक है, नाउ वील सी कि वॉट आर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और द इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, लेट्स सी वॉट आर इंटरकॉस्टल मसल्स। सी लेट्स से सपोज दैट दिस इज द स्टर्नम। ठीक है, ये स्टर्नम है एंड दिस हियर इज द वर्टेब्रे, और लेट्स से टू बी मोर अप्रोप्रिएटली वी कैन से दैट दीज आर द थोरेसिक वर्टेब्रे, क्योंकि जो रिब्स होती हैं वो थोरेसिक वर्टेब्रे से अटैच्ड होती हैं। एंड दीज आर द रिब्स। ठीक है, ये रिब्स है। दीज आर द रिब्स विच आर अटैच्ड टू स्टर्नम इन द वेंट्रल साइड एंड टू द थोरेसिक वर्टेब्रे ऑन द डॉर्सल साइड। ठीक है, दिस इज द रिब्स। ठीक है, नाउ देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, एक वो होती है, एक एक दिस इज द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, दिस वन, दिस रेड वन इज द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड द अदर वन वुड बी दिस वन, दिस ग्रीन वन वुड बी द इंटरनल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड दिस ग्रीन वन ओवर हियर इज द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। वॉट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस लाइज इन द अटैचमेंट ऑफ देयर एंड्स। जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं उनका जो अपर एंड होता है, द अपर एंड ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इट इज अटैच विद द वर्टेब्रे। ठीक है, ये वर्टेब्रे या फिर थोरेसिक वर्टेब्रे से अटैच होता है, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का लोअर एंड जो होता है, द लोअर एंड इज अटैच टू द रिब। ठीक है, लेकिन दिस इज एग्जैक्ट अपोजिट इन द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उनका जो अपर एंड होता है, द अपर एंड ऑफ द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स इज अटैच विद द रिब एंड द लोअर एंड इज अटैच्ड विद द वर्टेब्रे। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो मेन होती हैं विच इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, जो दूसरी मसल्स होती हैं दैट इज द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, दीज मसल्स आर रिक्वायर्ड, द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, दीज मसल्स आर मेनली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग, दीज आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फोर्स्ड इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, सो दिस वॉज द डिफरेंस। जब नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग में केवल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ही यूज होती हैं। ओके, सो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन वॉज अंडरस्टैंडेबल। नाउ लेट अस फाइंड आउट द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट सेंटेंस में हमें दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो इंस्पायरेशन में हमने देखा, हमें फाइंड करना है इंस्पायरेशन में क्या 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 इवेंट्स अकर होते हैं। तो वील सी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो यस दिस इज ट्रू, हमने देखा था कि फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, तो यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। द नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द नेक्स्ट वन इज पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो एज वी हैव सीन कि जो थोरेसिक वॉल्यूम है, थोरेसिक वॉल्यूम होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रा पल्मोनरी सॉरी जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट
गलत है, यहाँ पे इंक्रीज आना चाहिए, डिक्रीज नहीं. एंड उस एंड द नेक्स्ट थिंग दे हैव रिटन इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस. सो एज वी हैव आल्सो सीन कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा. सो देयर फोर जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता. हैंस दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो आर करेक्ट स्टेटमेंट्स आर द टू स्टेटमेंट्स विच आर द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन. ये दोनों हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विच हैज ए एंड बी एज द करेक्ट ऑप्शंस. सो आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.